सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जींद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहां पर देखी। जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जिसको मैंने हिलाकर देखा मर्डर हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब, मैं खेती करता हूँ यहाँ कर खुदा में। मैंने मनोज की ज़मीन पट्टे पर ले रखी है और ये कुलदीप मेरे पास खेत में काम करता था। कल शाम को हम इसको खेत में छोड़ के चले गए थे और सुबह मैंने आके देखा 6:15 बजे के आसपास तो इसका मर्डर हुआ मिला। नीचे 2 ईंट पड़ी हुई थी तख्त के नीचे और इसका सारा कान और ये सिर में चोट लगी हुई थी। तो मैंने तब 112 पे कॉल किया और मनोज को कॉल किया, खेत मालिक को, और तब 112 आई और मौके पे देखा, ये सब आपके सामने है। आपका क्या नाम है और आप कब से खेती कर रहे हैं? मैं इसी साल लिए हैं ये ज़मीन, अभी गेहूँ कटाई के बाद से ली है, अब धान ही लगाए हैं बस। और ये जो मृतक है ये कहाँ का रहने वाला है? ये जींद के पास गाँव है इसका। वो इसके साथ दारू पीता था, शाम को डेली आगे बैठ के पहले ही हमारे से उधर दूसरे खेत में काम करता था। मेरे पास 20-25 दिन से ही आया था, उससे पहले 20-25 दिन सुंदर के खेत में काम किया उसने। वहाँ से उसकी ये खरपोदा में रहता है कि मिस्त्री, वो उसके साथ दारू वारू पीता था बैठ के और उन्हीं आपस में झगड़ा हुआ है। चंद्र ने शाम को ठेके के पास में झगड़ा करते हुए भी देखे हैं, दोनों 9:30 बजे के आसपास बता रहे हैं। कितने रुपये को लेकर झगड़ा बताया जा रहा है? फोन वोन का मामला था जी, यही कुछ पता नहीं ज़्यादा कितने पैसे का, मेरे सामने कोई बात नहीं आई। हमें आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के करीब सूचना मिली थी कि मनोज सिंह है व्यक्ति खरपोदा खांडा रोड पर, उसकी जमीन है ये, उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जींद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहां देख कर देखी। जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जो मौका पर एफएसएल टीम वो लाकर हमने सारा निरीक्षण वगैरह कराया गया और फिर हमें शक के आधार पर किसी ने बताया, कुछ दूर से पता लगा कि रात को इसके साथ किसी एहसान नाम का व्यक्ति था जो राजगिरी का मिस्त्री का काम करता है, उसके साथ ड्रिंक करी थी और जो सुमारी शक की सुई उसकी तरफ घूमी और हमने उसको फिर अपना उस तफ्तीश के हिसाब से जो आगे हमारे को डिटेल मिली उसके हिसाब से हमने तफ्तीश की और आगे इसका आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और ये जींस के परिवार वाले जो है वो अभी चले हुए हैं। सर, कुलदीप सिंह पुत्र रिसाल सिंह करीब 40 वर्ष का था, जो गांव पाथरी जिला जींद का रहने। आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के करीब सूचना मिली थी कि मनोज सिंह है व्यक्ति खरपोदा खांडा रोड पर, उसकी जमीन है ये, उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जींद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहां देख कर देखी। जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जिसको मैंने
मर्डर हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब, मैं खेती करता हूँ यहाँ कर खुदा में। मैंने मनोज की ज़मीन पट्टे पर ले रखी है और ये कुलदीप मेरे पास खेत में काम करता था। कल शाम को हम इसको खेत में छोड़ के चले गए थे और सुबह मैंने आके देखा 6:15 बजे के आसपास तो इसका मर्डर हुआ मिला। नीचे 2 ईंट पड़ी हुई थी तख्त के नीचे और इसका सारा कान और ये सिर में चोट लगी हुई थी। तो मैंने तभी 112 पे कॉल किया और मनोज को कॉल किया, खेत मालिक को, और तब 112 आई और मौके पे देखा, ये सब आपके सामने है। आपका क्या नाम है और आप कब से खेती कर रहे हैं? मैं इसी साल लिए हैं ये ज़मीन, अभी गेहूं कटाई के बाद से ली है, अब धान ही लगाए हैं बस। और ये जो मृतक है ये कहाँ का रहने वाला है? ये जिनके पास गाँव है इसका, वो इसके साथ दारू पीता था। शाम को डेली आके बैठ के पहले ही हमारे से उधर दूसरे खेत में काम करता था। मेरे पास 20-25 दिन से ही आया था। उससे पहले 20-25 दिन चंद्र के खेत में काम किया उसने। वहाँ से उसकी ये खुरपोदा में रहता है कि मिस्त्री, वो उसके साथ दारू वारू पीता था बैठ के और उन्हीं का आपस में झगड़ा हुआ है। चंद्र ने शाम को ठेके के पास में झगड़ा करते हुए भी देखे हैं, दोनों 9:30 बजे के आसपास बता रहे हैं। कितने रुपये को लेकर झगड़ा बताया जा रहा है? कौन कौन का मामला था जी, ये कुछ पता नहीं ज़्यादा कितने पैसे का, मेरे सामने कोई बात नहीं है। हमें आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे एक सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरखोदास खांडा रोड पर, उसकी ज़मीन है, ये उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जीन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहाँ देते देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जो मौका पर स्पेशल टीम वो लाकर हमने सारा निरीक्षण वगैरह कराया गया और फिर हमें शक के आधार पर किसी ने बताया और कुछ दूर से पता लगा कि रात को इसके साथ किसी एहसान नाम का व्यक्ति था जो राजगिरी का मिस्त्री का काम करता है, उसके साथ ड्रिंक करी थी और जो हमारी शक की सुई उसकी तरफ घूमी और हमने उसको फिर अपना उस तफ्तीश के हिसाब से जो आगे हमारे को डिटेल मिली उसके हिसाब से हमने तफ्तीश की और आगे इसका आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और ये जींस इसके परिवार वाले जो है वो अभी चले हुए हैं। सर, कुलदीप सिंह पुत्र रिसाल सिंह करीब 40 वर्ष का था, जो गांव पाथरी जिला जींद का रहने वाला था। ये आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे एक सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरखोदास खांडा रोड पर, उसकी ज़मीन है, ये उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जींद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहाँ देखकर देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जिसको मैंने खिला कर देखा मर्डर हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब, मैं खेती करता हूँ यहाँ कर खुदा में। मैंने मनोज की ज़मीन पट्टे पर ले रखी है और ये कुलदीप मेरे पास खेत में काम करता था। कल शाम को हम इसको खेत में छोड़ के चले गए थे और सुबह मैंने आके देखा 6:15 बजे के आसपास तो इसका मर्डर हुआ मिला। नीचे 2 ईंट पड़ी हुई थी तख्त के नीचे
और इसका सारा कान और ये सिर में चोट लगी हुई थी। तो मैंने तब 112 पे कॉल किया और मनोज को कॉल किया, खेत मालिक को, और तब 112 आई और मौके पे देखा, ये सब आपके सामने है। आपका क्या नाम है और आप कब से खेती कर रहे हैं? मैं इसी साल लिए हैं ये जमीन, अभी गेहूँ कटाई के बाद से ली है, अब धान ही लगाए हैं बस। और ये जो मृतक है ये कहाँ का रहने वाला है? ये जींद के पास गांव है इसका, वो इसके साथ दारू पीता था शाम को डेली आके बैठ के। पहले ये हमारे से उधर दूसरे खेत में काम करता था, मेरे पास 20-25 दिन से ही आया था। उससे पहले 20-25 दिन चंद्र के खेत में काम किया उसने, वहाँ से उसकी ये खरपोता में रहता है एक मिस्त्री, और उसके साथ दारू वारू पीता था बैठ के, और उन्हीं आपस में झगड़ा हुआ है। चंद्र ने शाम को ठेके के पास में झगड़ा करते हुए भी देखे हैं, दोनों 9:30 के आसपास बता रहे हैं। कितने रुपये को लेकर झगड़ा बताया जा रहा है? फोन वोन का मामला था जी, ये कुछ पता नहीं ज़्यादा कितने पैसे का, मेरे सामने कोई बात नहीं आई। हमें आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के करीब सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरपोदास खांडा रोड पे, उसकी जमीन है ये, उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में बना हुआ है, और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जीन दृष्टि का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहाँ देखकर देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जो मौके पर एफएसएल टीम वो लाकर हमने सारा निरीक्षण वगैरह कराया गया, और फिर हमें शक के आधार पर किसी ने बताया और कुछ दूर से पता लगा कि रात को इसके साथ किसी एहसान नाम का व्यक्ति था जो राजगिरी का मिस्त्री का काम करता है, वे उसके साथ लेटरिंग करी थी, और जो हमारी शक की सुई उसकी तरफ घूमी और हमने उसको फिर अपना उस तफ्तीश के हिसाब से जो आगे हमारे को डिटेल मिली उसके हिसाब से हमने तफ्तीश की, और आगे इसका आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और ये जींस इसके परिवार वाले जो है वो अभी चले हुए हैं। सर कुलदीप सिंह पुत्र रिसाल सिंह करीब 40 वर्ष का था, जो गांव पाथरी जिला जींद का रहने वाला था। आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के करीब सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरपोदास खांडा रोड पे, उसकी जमीन है ये, उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में बना हुआ है, और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जींद दृष्टि का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहाँ देखकर देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जिसको मैंने हिलाकर देखा मर्डर हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब मैं खेती करता हूँ यहाँ खरपोदा में, मैंने मनोज की ज़मीन पट्टे पर ले रखी है, और ये कुलदीप मेरे पास खेत में काम करता था, कल शाम को हम इसको खेत में छोड़ के चले गए थे, और सुबह मैंने आके देखा 6:15 के आसपास तो इसका मर्डर हुआ मिला, नीचे 2 ईंट पड़ी हुई थी तख्त के नीचे, और इसका सारा कान और ये सिर में चोट लगी हुई थी। तो मैंने तब 112 पे कॉल किया और मनोज को कॉल किया, खेत मालिक को, और तब 112 आई और मौके पे देखा, ये सब आपके सामने है। आपका क्या नाम है और आप कब से खेती कर रहे हैं? मैं इसी साल लिए हैं ये ज़मीन, अभी गेहूँ कटाई के बाद से ली है, अब धान ही लगाए हैं बस। और ये जो मृतक है ये कहाँ का रहने वाला है? ये जींद के पास गाँव है इसका, वो इसके साथ दारू पीता था शाम को डेली आके बैठ के। पहले ये हमारे से उधर दूसरे खेत में काम करता था, मेरे पास 20-25 दिन से ही आया था। उससे पहले 20-25 दिन चंद्र के खेत में काम किया उसने, वहाँ से उसकी ये खरपोदा में रहता है एक मिस्त्री, और उसके साथ दारू वारू पीता था बैठ के, और उन्हीं का आपस में झगड़ा हुआ है। चंद्र ने शाम को ठेके के पास में झगड़ा करते हुए भी देखे हैं, दोनों 9:30 के आसपास बता रहे हैं। कितने रुपये को लेकर झगड़ा बताया जा रहा है? फोन वोन का मामला था जी, ये कुछ पता नहीं।
ज्यादा कितने पैसे का, मेरे सामने कोई बात नहीं है। हमें आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे एक सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरखोदा खांडा रोड पे, उसकी जमीन है ये, उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जीन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वादे पर देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जो मौका पर स्पेशल टीम वो लाकर हमने सारा निरीक्षण वगैरह कराया गया, और फिर हमें शक के आधार पर किसी ने बताया और कुछ दूर से पता लगा कि रात को इसके साथ किसी एहसान नाम का व्यक्ति था जो राजगिरी का मिस्त्री का काम करता है, उसके साथ ड्रिंक करी थी और जो हमारी शक की सुई उसकी तरफ घूमी, और हमने उसको फिर अपना उस तफ्तीश के हिसाब से जो आगे हमारे को डिटेल मिली उसके हिसाब से हमने तफ्तीश की और आगे इसका आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और ये जींस इसके परिवार वाले जो है वो अभी चले हुए हैं। सर कुलदीप सिंह पुत्र रिसाल सिंह करीब 40 वर्ष का था, जो गांव पाथरी जिला जींद का रहने वाला था। हमें आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे एक सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरखोदा खांडा रोड पर, उसकी जमीन है ये, उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जींद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वादे पर देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जिसको मैंने इलाकर देखा मर्डर हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब मैं खेती करता हूँ यहाँ खरखोदा में, मैंने मनोज की ज़मीन पट्टे पर ले रखी है, और ये कुलदीप मेरे पास खेत में काम करता था, कल शाम को हम इसको खेत में छोड़ के चले गए थे, और सुबह मैंने आके देखा 6:15 बजे के आसपास तो इसका मर्डर हुआ मिला, नीचे 2 ईंट पड़ी हुई थी तख्त के नीचे, और इसका सारा कान और ये सिर में चोट लगी हुई थी, तो मैंने तब 112 पे कॉल किया और मनोज को कॉल किया खेत मालिक को, और मैंने तब 112 आई और मौके पे देखा ये सब आपके सामने है। आपका क्या नाम है और आप कब से खेती कर रहे हैं? मैं इसी साल लिए हैं ये ज़मीन, अभी गेहूँ कटाई के बाद से ली है, अब धान ही लगाए हैं बस। और ये जो मृतक है ये कहाँ का रहने वाला है? ये जींद के पास गाँव है इसका, वो इसके साथ दारू पीता था शाम को डेली आगे बैठ के, पहले ये हमारे से उधर दूसरे खेत में काम करता था, मेरे पास 20-25 दिन से ही आया था, उससे पहले 20-25 दिन चंदर के खेत में काम किया उसने, वहाँ से उसकी ये खरखोदा में रहता है एक मिस्त्री, और उसके साथ दारू वारू पीता था बैठ के, और उन्हीं आपस में झगड़ा हुआ है, चंदर ने शाम को ठेके के पास में झगड़ा करते हुए भी देखे हैं, दोनों 9:30 बजे के आसपास बता रहे हैं। कितने रुपये को लेकर झगड़ा बताया जा रहा है? कौन वो उनका मामला था जी, ये कुछ पता नहीं ज़्यादा कितने पैसे का, मेरे सामने कोई बात नहीं है। हमें आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे एक सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरखोदा खांडा रोड पे, उसकी जमीन है ये, उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जींद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वादे पर देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था, जो मौका पर स्पेशल टीम वो लाकर हमने सारा निरीक्षण वगैरह कराया गया, और फिर हमें शक के आधार पर किसी ने बताया और कुछ दूर से पता लगा कि रात को इसके साथ किसी एहसान नाम का व्यक्ति था जो राजगिरी का मिस्त्री का काम करता है, उसके साथ ड्रिंक करी थी, और जो हमारी शक की सुई उसकी तरफ घूमी, और हमने उसको फिर अपना उस तफ्तीश के हिसाब से जो आगे हमारे को डिटेल मिली उसके हिसाब से हमने तफ्तीश की, और आगे इसका आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा,
और ये जींस इसके परिवार वाले जो है वो अभी चले हुए हैं। सर कुलदीप सिंह पुत्र रिसाल सिंह करीब 40 वर्ष का था, जो गांव पाथरी जिला जींद का रहने वाला था। ये आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे करीब सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरखोदा खांडा रोड पे, उसकी जमीन है, ये उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जींद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमने सारी कार्रवाई वहां देखकर देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जिसको मैंने हिलाकर देखा, जिसको मैंने हिलाकर देखा मर्डर हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब मैं खेती करता हूँ यहाँ कर खुर्दा में, मैंने मनोज की ज़मीन पट्टे पर ले रखी है और ये कुलदीप मेरे पास खेत में काम करता था, कल शाम को हम इसको खेत में छोड़ के चले गए थे और सुबह मैंने आके देखा 6:15 बजे के आसपास तो इसका मर्डर हुआ मिला। नीचे 2 ईंट पड़ी हुई थी तख्त के नीचे और इसका सारा कान और ये सिर में चोट लगी हुई थी, तो मैंने तभी 112 पे कॉल किया और मनोज को कॉल किया खेत मालिक को, और मैंने तब 112 आई और मौके पे देखा ये सब आपके सामने है। आपका क्या नाम है और आप कब से खेती कर रहे हैं? मैं इसी साल लिए हैं ये ज़मीन, अभी गेहूँ कटाई के बाद से ली है, अब धान ही लगाए हैं बस। और ये जो मृतक है ये कहाँ का रहने वाला है? ये जींद के पास गाँव है इसका, वो इसके साथ दारू पीता था, शाम को डेली आके बैठ के पहले ही हमारे से उधर दूसरे खेत में काम करता था, मेरे पास 20-25 दिन से ही आया था, इससे पहले 20-25 दिन चंदर के खेत में काम किया उसने, वहाँ से उसकी ये खरखोदा में रहता है एक मिस्त्री, वो उसके साथ दारू वारू पीता था बैठ के और उन्हीं आपस में झगड़ा हुआ है, चंदर ने शाम को ठेके के पास में झगड़ा करते हुए भी देखे हैं, दोनों 9:30 बजे के आसपास बता रहे हैं। कितने रुपये को लेकर झगड़ा बताया जा रहा है? फोन वोन का मामला था जी, ये कुछ पता नहीं ज़्यादा कितने पैसे का, मेरे सामने कोई बात नहीं है। हमें आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे की सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरखोदा खांडा रोड पे, उसकी जमीन है, ये उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जींद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहां देखकर देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था, जो मौके पर स्पेशल टीम वो लाकर हमने सारा निरीक्षण वगैरह कराया गया और फिर हमें शक के आधार पर किसी ने बताया और कुछ दूर से पता लगा कि रात को इसके साथ किसी एहसान नाम का व्यक्ति था जो राजगिरी का मिस्त्री का काम करता है, वे उसके साथ ड्रिंक करी थी और जो हमारी शक की सुई उसकी तरफ घूमी और हमने उसको फिर अपना उस तफ्तीश के हिसाब से जो आगे हमारे को डिटेल मिली उसके हिसाब से हमने तफ्तीश की और आगे इसका आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा और ये जींस इसके परिवार वाले जो है वो अभी चले हुए हैं। सर कुलदीप सिंह पुत्र रिसाल सिंह करीब 40 वर्ष का था, जो गांव पाथरी जिला जींद का रहने वाला था। आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे करीब सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरखोदा खांडा रोड पे, उसकी जमीन है, ये उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जींद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहां देखकर देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। ठीक है।
जिसको मैंने हिलाकर देखा मर्डर हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब, मैं खेती करता हूँ यहाँ कर खुदा में। मैंने मनोज की ज़मीन पट्टे पर ले रखी है और ये कुलदीप मेरे पास खेत में काम करता था। कल शाम को हम इसको खेत में छोड़ के चले गए थे और सुबह मैंने आके देखा 6:15 बजे के आसपास तो इसका मर्डर हुआ मिला। नीचे 2 ईंट पड़ी हुई थी तख्त के नीचे और इसका सारा कान और ये सिर में चोट लगी हुई थी। तो मैंने तब 112 पे कॉल किया और मनोज को कॉल किया, खेत मालिक को, और तब 112 आई और मौके पे देखा ये सब आपके सामने है। आपका क्या नाम है और आप कब से खेती कर रहे हैं? मैं इसी साल लिए हैं ये ज़मीन, अभी गेहूँ कटाई के बाद से ली है, अब धान ही लगाए हैं बस। और ये जो मृतक है ये कहाँ का रहने वाला है? ये जिनके पास गाँव है इसका, वो इसके साथ दारू पीता था शाम को डेली आके बैठ के। पहले ही हमारे से उधर दूसरे खेत में काम करता था, मेरे पास 20-25 दिन से ही आया था। उससे पहले 20-25 दिन चंद्र के खेत में काम किया उसने, वहाँ से उसकी ये खरपौदा में रहता है एक मिस्त्री, वो उसके साथ दारू वारू पीता था बैठ के और उन्हीं का आपस में झगड़ा हुआ है। चंद्र ने शाम को 6 बजे एक सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरपौदा खंडा रोड पर, उसकी जमीन है, ये उसका जो नौकर है उसकी डेथ भी आज सुबह। एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरपौदा खंडा रोड पे, उसकी जमीन है, ये उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह दीन दृष्टि का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहाँ देखकर देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जिसको मैंने हिलाकर देखा मर्डर हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब, मैं खेती करता हूँ यहाँ कर खुदा में। मैंने मनोज की ज़मीन पट्टे पर ले रखी है और ये कुलदीप मेरे पास खेत में काम करता था। कल शाम को हम इसको खेत में छोड़ के चले गए थे और सुबह मैंने आके देखा 6:15 बजे के आसपास तो इसका मर्डर हुआ मिला। नीचे 2 ईंट पड़ी हुई थी तख्त के नीचे और इसका सारा कान और ये सिर में चोट लगी हुई थी। तो मैंने तब 112 पे कॉल किया और मनोज को कॉल किया, खेत मालिक को, और मैंने तब 112 आई और मौके पे देखा ये सब आपके सामने है। आपका क्या नाम है और आप कब से खेती कर रहे हैं? मैं इसी साल लिए हैं ये ज़मीन, अभी गेहूँ कटाई के बाद से ली है, अब धान ही लगाए हैं बस। और ये जो मृतक है ये कहाँ का रहने वाला है? ये जिनके पास गाँव है इसका, वो इसके साथ दारू पीता था शाम को डेली आके बैठ के। पहले ही हमारे से उधर दूसरे खेत में काम करता था, मेरे पास 20-25 दिन से ही आया था। उससे पहले
20-25 दिन चंद्र के खेत में काम किया उसने, वहाँ से उसकी ये खरपोदा में रहता है कि मिस्त्री, वो उसके साथ दारू वारू पीता था बैठ के, और उन्हीं का आपस में झगड़ा हुआ है। चंद्र ने शाम को ठेके के पास में झगड़ा करते हुए भी देखे हैं, दोनों 9:30 के आसपास बता रहे हैं। कितने रुपए को लेकर झगड़ा बताया जा रहा है? फोन वोन का मामला था जी, ये कुछ पता नहीं ज़्यादा कितने पैसे का, मेरे सामने कोई बात नहीं आई। हमें आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे एक सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरपोदा खांडा रोड पर, उसकी जमीन है, ये उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जीन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहाँ देख कर देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जो मौका पर स्पेशल टीम वो लाकर हमने सारा निरीक्षण वगैरह कराया गया, और फिर हमें शक के आधार पर किसी ने बताया और कुछ दूर से पता लगा कि रात को उसके साथ किसी एहसान नाम का व्यक्ति था जो राजगिरी का मिस्त्री का काम करता है, उसके साथ ड्रिंक करी थी और जो सुमारी शक की सुई उसकी तरफ घूमी, और हमने उसको फिर अपना उस तफ्तीश के हिसाब से जो आगे हमारे को डिटेल मिली उसके हिसाब से हमने तफ्तीश की, और आगे इसका आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और ये जींस इसके परिवार वाले जो है वो अभी चले हुए हैं। सर कुलदीप सिंह पुत्र रिसाल सिंह करीब 40 वर्ष का था, जो गाँव पाथरी जिला जील का रहने वाला। ये आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे एक सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरपोदा खांडा रोड पर, उसकी जमीन है, ये उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जीन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहाँ देख कर देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जिसको मैंने मर्डर हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब मैं खेती करता हूँ यहाँ खरपोदा में, मैंने मनोज की ज़मीन पट्टे पर ले रखी है, और एक कुलदीप मेरे पास खेत में काम करता था, कल शाम को हम इसको खेत में ही छोड़ के चले गए थे, और सुबह मैंने आके देखा 6:15 बजे के आसपास तो इसका मर्डर हुआ मिला, नीचे 2 ईंट पड़ी हुई थी तख्त के नीचे, और इसका सारा कान और ये सिर में चोट लगी हुई थी, तो मैंने तब 112 पे कॉल किया और मनोज को कॉल किया खेत मालिक को, और मैंने तब 112 आई और मौके पे देखा ये सब आपके सामने है। आपका क्या नाम है और आप कब से खेती कर रहे हैं? मैं इसी साल लिए हैं ये ज़मीन, अभी गेहूँ कटाई के बाद से ली है, अब धान ही लगाए हैं बस। और ये जो मृतक है ये कहाँ का रहने वाला है? ये जिन के पास गाँव है इसका, वो इसके साथ दारू पीता था शाम को डेली आगे बैठ के, पहले ये हमारे से उधर दूसरे खेत में काम करता था, मेरे पास 20-25 दिन से ही आया था, उससे पहले 20-25 दिन चंद्र के खेत में काम किया उसने, वहाँ से उसकी ये खरपोदा में रहता है कि मिस्त्री, वो उसके साथ दारू वारू पीता था बैठ के, और उन्हीं का आपस में झगड़ा हुआ है। चंद्र ने शाम को ठेके के पास में झगड़ा करते हुए भी देखे हैं, दोनों 9:30 के आसपास बता रहे हैं। कितने रुपए को लेकर झगड़ा बताया जा रहा है? फोन वोन का मामला था जी, ये कुछ पता नहीं ज़्यादा कितने पैसे का, मेरे सामने कोई बात नहीं आई। हमें आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे एक सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरपोदा खांडा रोड पर, उसकी जमीन है, ये उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जीन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहाँ देख कर देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था, जो मौका पर स्पेशल टीम वो लाकर हमने सारा निरीक्षण वगैरह कराया गया, और फिर हमें शक के आधार पर किसी ने बताया और कुछ दूर से पता लगा
कि रात को इसके साथ किसी एहसान नाम का व्यक्ति था जो राजगिरी का मिस्त्री का काम करता है, उसके साथ में ड्रिंक करी थी और जो हमारी शक की सुई उसकी तरफ घूमी और हमने उसको फिर अपना उस तफ्तीश के हिसाब से जो आगे हमारे को डिटेल मिली उसके हिसाब से हमने तफ्तीश की और आगे इसका आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा और ये जींस इसके परिवार वाले जो है वो अभी चले हुए हैं। सर कुलदीप सिंह पुत्र रिसाल सिंह करीब 40 वर्ष का था जो गांव पाथरी जिला जील का रहने वाला था। आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे एक सूचना मिली थी एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरखोदास खांडा रोड पर उसकी जमीन है, ये उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जीन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वादे पर देखी जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जिसको मैंने खिलाकर देखा मर्डर हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब मैं खेती करता हूँ यहाँ कर खुदा में, मैंने मनोज की ज़मीन पट्टे पर ले रखी है और ये कुलदीप मेरे पास खेत में काम करता था, कल शाम को हम इसको खेत में ही छोड़ के चले गए थे और सुबह मैंने आके देखा 6:15 बजे के आसपास तो इसका मर्डर हुआ मिला, नीचे 2 ईंट पड़ी हुई थी तख्त के नीचे और इसका सारा कान और ये सिर में चोट लगी हुई थी तो मैंने तब 112 पे कॉल किया और मनोज को कॉल किया खेत मालिक को और मैंने तब 112 आई और मौके पे देखा ये सब आपके सामने है। आपका क्या नाम है और आप कब से खेती कर रहे हैं? मैं इसी साल लिए हैं ये ज़मीन, अभी गेहूँ कटाई के बाद से ली है, अब धान ही लगाए हैं बस। और ये जो मृतक है ये कहाँ का रहने वाला है? ये जिंद के पास गाँव है इसका, वो इसके साथ दारू पीता था, शाम को डेली आके बैठ के पहले ही हमारे से उधर दूसरे खेत में काम करता था, मेरे पास 20-25 दिन से ही आया था, उससे पहले 20-25 दिन चंदर के खेत में काम किया उसने, वहाँ से उसकी ये खरपोदा में रहता है एक मिस्त्री और उसके साथ दारू वारू पीता था बैठ के और उन्हीं का आपस में झगड़ा हुआ है, चंदर ने शाम को ठेके के पास में झगड़ा करते हुए भी देखे हैं, दोनों 9:30 बजे के आसपास बता रहे हैं। कितने रुपये को लेकर झगड़ा बताया जा रहा है? फोन वोन का मामला था जी, ये कुछ पता नहीं ज़्यादा कितने पैसे का, मेरे सामने कोई बात नहीं है। हमें आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे एक सूचना मिली थी एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरखोदास खांडा रोड पर उसकी जमीन है, ये उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जीन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वादे पर देखी जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था, जो मौका पर एफएसएल टीम वो लाकर हमने सारा निरीक्षण वगैरह कराया गया और फिर हमें शक के आधार पर किसी ने बताया और कुछ दूर से पता लगा कि रात को उसके साथ किसी एहसान नाम का व्यक्ति था जो राजगिरी का मिस्त्री का काम करता है, उसके साथ में ड्रिंक करी थी और जो हमारी शक की सुई उसकी तरफ घूमी और हमने उसको फिर अपना उस तफ्तीश के हिसाब से जो आगे हमारे को डिटेल मिली उसके हिसाब से हमने तफ्तीश की और आगे इसका आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा और ये जींस इसके परिवार वाले जो है वो अभी चले हुए हैं। सर कुलदीप सिंह पुत्र रिसाल सिंह करीब 40 वर्ष का था जो गांव पाथरी जिला जील का रहने वाला था। मैं आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे एक सूचना मिली थी एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरखोदास खांडा रोड पर उसकी जमीन है, ये उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जीन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वादे पर देखी जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जी,
जिसको मैंने खिलाकर देखा मर्डर हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब, मैं खेती करता हूँ यहाँ कर खुदा में। मैंने मनोज की ज़मीन पट्टे पर ले रखी है और ये कुलदीप मेरे पास खेत में काम करता था। कल शाम को हम इसको खेत में ही छोड़ के चले गए थे और सुबह मैंने आके देखा 6:15 बजे के आसपास तो इसका मर्डर हुआ मिला। नीचे 2 ईंट पड़ी हुई थी तख्त के नीचे और इसका सारा कान और ये सिर में चोट लगी हुई थी। तो मैंने तब 112 बजे कॉल किया और मनोज को कॉल किया, खेत मालिक को, और मैंने तब 112 आई और मौके पर देखा, ये सब आपके सामने है। आपका क्या नाम है और आप कब से खेती कर रहे हैं? मैं इसी साल लिए हैं ये ज़मीन, अभी गेहूँ कटाई के बाद से ली है, अब धान ही लगाए हैं बस। और ये जो मृतक है ये कहाँ का रहने वाला है? ये जिनके पास गाँव है इसका, वो इसके साथ दारू पीता था शाम को डेली आके बैठ के। पहले ये हमारे से उधर दूसरे खेत में काम करता था, मेरे पास 20-25 दिन से ही आया था। उससे पहले 20-25 दिन सुंदर के खेत में काम किया उसने, वहाँ से उसकी ये खुरपोदा में रहता है एक मिस्त्री, वो उसके साथ दारू वारू पीता था बैठ के और उन्हीं आपस में झगड़ा हुआ है। चंद्र ने शाम को ठेके के पास में झगड़ा करते हुए भी देखे हैं, दोनों 9:30 बजे के आसपास बता रहे हैं। कितने रुपये को लेकर झगड़ा बताया जा रहा है? फोन वोन का मामला था जी, ये कुछ पता नहीं ज़्यादा कितने पैसे का, मेरे सामने कोई बात नहीं है। हमें आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे एक सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरखोदास खांडा रोड पर, उसकी जमीन है ये, उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जीन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहाँ देते देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जो मौके पर स्पेशल टीम वो लाकर हमने सारा निरीक्षण वगैरह कराया गया और फिर हमें शक के आधार पर किसी ने बताया और कुछ दूर से पता लगा कि रात को उसके साथ किसी एहसान नाम का व्यक्ति था जो राजगिरी का मिस्त्री का काम करता है, उसके साथ ड्रिंक करी थी और जो हमारी शक की सुई उसकी तरफ गई घूमी और हमने उसको फिर अपना उस तफ्तीश के हिसाब से जो आगे हमारे को डिटेल मिली उसके हिसाब से हमने तफ्तीश की और आगे इसका आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और ये जींस इसके परिवार वाले जो है वो अभी चले हुए हैं। सर, कुलदीप सिंह पुत्र विशाल सिंह करीब 40 वर्ष का था, जो गांव पाथरी जिला जींद का रहने वाला था। ये आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के करीब सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरखोदास खांडा रोड पर, उसकी जमीन है ये, उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जींद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहां देखकर देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जिसको मैंने खिलाकर देखा
मर्डर हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब मैं खेती करता हूँ यहाँ कर खुदा में, मैंने मनोज की ज़मीन पट्टे पर ले रखी है। अरे कुलदीप मेरे पास खेत में काम करता था, कल शाम को हम इसको खेत में छोड़ के चले गए थे और सुबह मैंने आके देखा 6:15 बजे के आसपास तो इसका मर्डर हुआ मिला। नीचे 2 ईंट पड़ी हुई थी तख्त के नीचे और इसका सारा कान और ये सिर में चोट लगी हुई थी। तो मैंने तब 112 पे कॉल किया और मनोज को कॉल किया खेत मालिक को और मैंने तब 112 आई और मौके पे देखा ये सब आपके सामने है। आपका क्या नाम है और आप कब से खेती कर रहे हैं? मैं इसी साल लिए हैं ये ज़मीन, अभी गेहूँ कटाई के बाद से ली है, अब धान ही लगाए हैं बस। और ये जो मृतक है ये कहाँ का रहने वाला है? ये जिंद के पास गाँव है इसका, वो इसके साथ दारू पीता था शाम को डेली आके बैठ के। पहले ही हमारे से उधर दूसरे खेत में काम करता था, मेरे पास 20-25 दिन से ही आया था। उससे पहले 20-25 दिन चंदर के खेत में काम किया उसने, वहाँ से उसकी ये खरपोदा में रहता है एक मिस्त्री और उसके साथ दारू वारू पीता था बैठ के और उन्हीं आपस में झगड़ा हुआ है। चंदर ने शाम को ठेके के पास में झगड़ा करते हुए भी देखे हैं, दोनों 9:30 बजे के आसपास बता रहे हैं। कितने रुपये को लेकर झगड़ा बताया जा रहा है? फोन वोन का मामला था जी, ये कुछ पता नहीं ज़्यादा कितने पैसे का, मेरे सामने कोई बात नहीं आई। हमें आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के करीब सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरपोदा खांडा रोड पर उसकी जमीन है, ये उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में बना हुआ है और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जीन दृष्टि का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहाँ देते देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जो मौके पर स्पेशल टीम वो लाकर हमने सारा निरीक्षण वगैरह कराया गया और फिर हमें शक के आधार पर किसी ने बताया और कुछ दूर से पता लगा कि रात को उसके साथ किसी एहसान नाम का व्यक्ति था जो राजगिरी का मिस्त्री का काम करता है, वे उसके साथ ट्रेनिंग करी थी और जो हमारी शक की सुई उसकी तरफ घूमी और हमने उसको फिर अपना उस तफ्तीश के हिसाब से जो आगे हमारे को डिटेल मिली उसके हिसाब से हमने तफ्तीश की और आगे इसका आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा और ये जींस इसके परिवार वाले जो है वो अभी चले हुए हैं। सर कुलदीप सिंह पुत्र रिसाल सिंह करीब 40 वर्ष का था, जो गांव पाथरी जिला जींद का रहने वाला। ये आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के करीब सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरपोदा खांडा रोड पर उसकी जमीन है, ये उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में बना हुआ है और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जींद दृष्टि का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहाँ देख कर देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जिसको मैंने हिला कर देखा मर्डर हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब मैं खेती करता हूँ यहाँ कर खुदा में, मैंने मनोज की ज़मीन पट्टे पर ले रखी है। अरे कुलदीप मेरे पास खेत में काम करता था, कल शाम को हम इसको खेत में ही छोड़ के चले गए थे और सुबह मैंने आके देखा 6:15 बजे के आसपास तो इसका मर्डर हुआ मिला। नीचे 2 ईंट पड़ी हुई थी तख्त के नीचे और इसका सारा कान और ये सिर में चोट लगी हुई थी। तो मैंने तब 112 पे कॉल किया और मनोज को कॉल किया खेत मालिक को और मैंने तब 112 आई और मौके पे देखा ये सब आपके सामने है। आपका क्या नाम है और आप कब से खेती कर रहे हैं? मैं इसी साल लिए हैं ये ज़मीन, अभी गेहूँ कटाई के बाद से ली है, अब धान ही लगाए हैं बस। और ये जो मृतक है ये कहाँ का रहने वाला है? ये जिंद के पास गाँव है इसका,
वो इसके साथ दारू पीता था, शाम को डेली आके बैठ के पहले ही हमारे से उधर दूसरे खेत में काम करता था। मेरे पास 20-25 दिन से ही आया था, उससे पहले 20-25 दिन सुंदर के खेत में काम किया उसने। वहाँ से उसकी ये खरपोदा में रहता है एक मिस्त्री, वो उसके साथ दारू वारू पीता था बैठ के, और उन्हीं का आपस में झगड़ा हुआ है। चंद्र ने शाम को ठेके के पास में झगड़ा करते हुए भी देखे हैं, दोनों 9:30 के आसपास बता रहे हैं। कितने रुपए को लेकर झगड़ा बताया जा रहा है? फोन वोन का मामला था जी, ये कुछ पता नहीं ज्यादा कितने पैसे का, मेरे सामने कोई बात नहीं है। हमें आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे एक सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरपोदा खांडा रोड पर, उसकी जमीन है, ये उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जीन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहाँ देते देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जो मौका पर स्पेशल टीम वो लाकर हमने सारा निरीक्षण वगैरह कराया गया, और फिर हमें शक के आधार पर किसी ने बताया और कुछ दूर से पता लगा कि रात को इसके साथ किसी एहसान नाम का व्यक्ति था जो राजगिरी का मिस्त्री का काम करता है, उसके साथ में ड्रिंक करी थी और जो सुमारी शक की सुई उसकी तरफ घूमी, और हमने उसको फिर अपना उस तफ्तीश के हिसाब से जो आगे हमारे को डिटेल मिली उसके हिसाब से हमने तफ्तीश की और आगे इसका आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और ये जींस इसके परिवार वाले जो है वो अभी चले हुए हैं। सर कुलदीप सिंह पुत्र रिसाल सिंह करीब 40 वर्ष का था, जो गाँव पाथरी जिला जींद का रहने वाला था। मैं आज सुबह मॉर्निंग में 6 बजे एक सूचना मिली थी, एक मनोज सिंह है व्यक्ति खरपोदा खांडा रोड पर, उसकी जमीन है, ये उसका जो नौकर है उसकी डेड भी सिर से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह जींद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पर पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहाँ देखकर देखी, जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जिसको मैंने मर्डर हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब मैं खेती करता हूँ यहाँ खरपोदा में, मैंने मनोज की ज़मीन पट्टे पर ले रखी है और ये कुलदीप मेरे पास खेत में काम करता था। कल शाम को हम इसको खेत में छोड़ के चले गए थे और सुबह मैंने आके देखा 6:15 के आसपास तो इसका मर्डर हुआ मिला। नीचे 2 ईंट पड़ी हुई थी तख्त के नीचे और इसका सारा कान और ये सिर में चोट लगी हुई थी। तो मैंने तब 112 कॉल किया और मनोज को कॉल किया खेत मालिक को, और मैंने तब 112 आई और मौके पर देखा ये सब आपके सामने है। आपका क्या नाम है और आप कब से खेती कर रहे हैं? मैं इसी साल लिए हैं ये ज़मीन, अभी गेहूँ कटाई